बदली बदली दिखेगी केदारनाथ की दुनिया, घंटों की दूरी मिनटों में होगी पूरी, बाबा केदार के दरबार में उड़न खटोला, शिव भक्त मोदी ने कर दिखाया। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, मैं आपके साथ कविता राणा। नर नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा किनारे बाबा केदारनाथ की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर शिव भक्तों के चेहरे खिल उठेंगे। जी हाँ, शिव के परम भक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है। अब घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी, क्योंकि बहुत जल्द बाबा की नगरी में उड़न खटोला आप लोगों को दिखने वाला है। दुनिया जानती है कि केदारनाथ धाम से पीएम मोदी का लगाव कितना है। बतौर प्रधानमंत्री 6 बार बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 2013 के आपदा में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम की तस्वीर ही बदल कर रख दी उन्होंने। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज केदारनाथ धाम की पुरानी रौनक फिर से लौट आई है। केदार घाटी पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। बाबा केदार का प्रांगण हर हर महादेव के नारों से गूंजता है। त्रासदी के देखे 8 साल बाद केदारनाथ की तस्वीर ऐसी बदली कि आज दुनिया भर से बाबा के भक्त उनके धाम पहुंचते हैं। केदार घाटी की इन्हीं गुफाओं में 12 साल तक मोदी साधुओं की तरह घूमते रहे। और जो लोग देखे पीएम मोदी को करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं, दावा करते हैं कि हिमालय की इन पहाड़ियों पर ईश्वर की तलाश में जुटे पीएम मोदी को एक बार एक ऐसे साधु महाराज के दर्शन हुए जिन्होंने उन्हें राजनीति की तरफ प्रेरित किया, वहां जाने को कहा। मोदी जी को ये बताया कि तुम्हारी उम्र हिमालय की कंदराओं में भटकने की नहीं है, समाज की सेवा करके भी तुम ईश्वर पा सकते हो। और इसके बाद तो देखिए जैसे ही पीएम मोदी भारतीय राजनीति से जुड़े फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। तो शिव के परम भक्त कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आना और बाबा केदार के दर्शन करना कभी नहीं भूलते हैं। आज उन्हीं की लीडरशिप में केदारनाथ धाम में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इन्हीं परियोजनाओं में से एक केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। जी हां, पीएम मोदी के हाथों इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जा चुकी है और जिसके बाद अब गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 9 किलोमीटर रोपवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। 900 करोड़ की लागत से बन रहे रोपवे लाइन का निर्माण अब होगा और इसको लेकर अधिकारियों का ये कहना है, 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग हो रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहाँ मोटर मार्ग का निर्माण होना संभव नहीं है। आपदा से पहले जो पैदल मार्ग केदारनाथ धाम को जोड़ता था वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। रामबाड़ा से आगे नए पैदल मार्ग का निर्माण किया गया है, लेकिन रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक खड़ी चढ़ाई है। इस चढ़ाई को पार करना बेहद मुश्किल है। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की चढ़ाई को पार करते समय सांस फूलने के कारण कई बार यात्री बीमार हो जाते हैं, जबकि हार्ट के मरीजों की यहां मौत हो जाती है। और इस कारण केदारनाथ धाम को रोपवे की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। केदारनाथ से जुड़ी रोपवे की यात्रा 2 चरणों में रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। प्रथम चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच इस केबल कार का निर्माण किया जाएगा। इसमें 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। वन भूमि स्थानांतरण के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया गतिमान है। द्वितीय चरण में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक इसका निर्माण होगा। 9 किलोमीटर की दूरी यात्री 35 से 40 मिनट की भीतर तय करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों को पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों के अधिक चलने से दिक्कतें होती थी, जिनको हेली टिकट नहीं मिल पाता था, जिन्हें पैदल मार्ग से जाने में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती थी, उनके लिए रोपवे की सुविधा पीएम मोदी की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जैसे ही रोपवे की सुविधा शुरू होगी, बाबा के भक्त उड़न खटोला में बैठकर एक ही दिन में बाबा केदार के दर्शन करके वापस लौट सकेंगे।